उसको ऐसे रख दो किसी के ऊपर। चेतन सर आपको होस्ट बना दिया है, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए तो कैमरा चालू कर दीजिए। अगर कोई एंड वाला एक एंड वाला चलता ना चला नहीं चला वो एंड वाला उन दोनों को बंद कर दो ये क्या वाला जो पड़ा पूरे गुजरात बोर्ड यस सर यस आफ्टरनून सर एक मिनट गुड आफ्टरनून सर गुड आफ्टरनून सर गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून किसी को कोई प्रॉब्लम दिखने में देखने में वीडियो से अच्छा नजर आ रहा है? नो सर यस सर किसी को कुछ प्रॉब्लम आए तो बता देना ठीक है। तो तुम्हारा शायद मीन सर ने मीन करा चुके ना तुमको मोड या मीडियम बाकी नो सर अच्छा तुम्हारा मीन भी बाकी तो सर ने मुझे सर किसका माइक है ना माइक चलावा सर किसी का माइक बंद कर दो आप लोगों का। 10th गुजरात बोर्ड में अभी सर ने मेरे को बोला है मोड कराने के लिए सर कंटिन्यू करेंगे सर किसी का माइक ऑन है बंद कर दो तो इको हो रही है आवाज। यस तो सर ने मुझे अभी मोड बंद पढ़ाने के लिए बोला है सर पढ़ा देंगे मीन भी आपको ठीक है। तो सर ने मुझे आज बोला है कि तुमको मोड कंप्लीट करा दूं और मोड बहुत ही छोटा टॉपिक है तो अपन फटाफट कर भी लेंगे ठीक है। तो अभी मुझे बताओ को 9th क्लास में अपन ने जो मोड निकाला था बहुत इजी तरीके से मोड निकाला था याद हो तो ठीक है कि और उस समय जो अपन ने मोड निकाला था वो बहुत ही कम अमाउंट ऑफ डेटा जब अपन को दे रखा हो जैसे रोड जिसको रो डेटा बोलते हैं ठीक है। रो डेटा क्या होता है जो आपको एक पर्टिकुलर एकदम बिल्कुल रो डेटा है मीन्स आपको जैसे नंबर लिख दिया जैसे मैं तुमने बोला कि तुम्हारी क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स उनकी हाइट तुमको बोली हुई है ठीक है। तो किसी का हाइट 4 है किसी का 4.5 है किसी का 4.3 होगा किसी का 4.2 होगा किसी का 4.8 होगा या 5 होगा 5.6 होगा 7 किसी का 6 होगा या फिर 5.5 होगा इस तरीके से। तो इस तरीके से जो डेटा दे रखा होता है उसको अपन रो डेटा बोलते हैं ठीक है। जो कोई सिस्टम है वे नहीं है इसको अरेंज कर रहा हुआ या कोई पर्टिकुलर वे नहीं है कि भाई अरेंज किया हुआ है बस आपको क्या है कि 10 स्टूडेंट्स है 10 स्टूडेंट्स का आपने तो क्या लिख दिया डेटा लिख दिया हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स आपका लिख दिया है ठीक है। तो अपन मोड कैसे निकालते थे उसमें
नाइन्थ क्लास में अपन ने मोड कैसे निकाला था कि जिस पर्टिकुलर वैल्यू, हाँ बोलो, तो टेन नाइन्थ क्लास अपन ने मोड ऐसे निकाला था कि जो भी नंबर आपको एक पर्टिकुलर नंबर जिस पर्टिकुलर डेटा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, जिस भी पर्टिकुलर डेटा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वही आपका क्या होगा, मोड होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे तो अभी मैंने कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रखा है, मैं एक नंबर और रिपीट कर देता, जैसे फोर और लिख दिया मैंने कि भाई एक और स्टूडेंट है जिसकी हाइट क्या है 4 feet है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ इस डेटा का मोड क्या होगा, फोर ही होगा, फोर होगा। ठीक है, तो ये अपन ने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था। ठीक है, कि भाई जिस भी डेटा की या जिस भी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वो अपना मोड होता है, ये अपन ने नाइन्थ क्लास में पढ़ा। लेकिन यहाँ पर अपने पास क्या है, यहाँ पर अपने पास में डेटा जो दे रखा है, हर डेटा जो दे रखा है वो टेबुलर फॉर्म में दे रखा है। जब टेबुलर फॉर्म में आपको डेटा दे रखा है तो फिर आप मोड कैसे निकालोगे, उसके लिए अपन को एक छोटा सा फॉर्मूला अपन को पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं कि फॉर्मूला क्या है अपना। देखो इधर, तो मोड भी एक तरीके की सेंट्रल टेंडेंसी है। किस तरीके की सेंट्रल टेंडेंसी है, कि भाई जिस भी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, कि भाई जिस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन की रिपीटेशन बहुत ज्यादा है वो क्या हो गया, एक सेंट्रल टेंडेंसी के अकॉर्डिंग अपन उसको मेजर करते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 10th क्लास में आपको टेबुलर फॉर्म में डेटा दे रखा होगा और उस टेबुलर फॉर्म के डेटा का आपको मोड निकालना है। तो मोड निकालने के लिए सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है वो फॉर्मूला देख लो। ठीक है, यस, देखो इधर लिखना स्टार्ट करो। मोड इज गिवन बाय एल। अब एल क्या है, फिर एफ जीरो क्या है, एफ वन, एफ टू, एफ थ्री क्या है, ये सब अपन पढ़ने वाले। यस, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, फिर उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा एफ वन माइनस एफ, इसको फ्रीक्वेंसी कैपिटल एफ मत लिखना, स्मॉल एफ लिखना, स्मॉल एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन में, समझ में आ रहा है फॉर्मूला, नजर आ रहा है सबको? बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। टू, पहले फॉर्मूला लिख दो, टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू। सर पेन बहुत लाइट है, ठीक से दिख नहीं रहा है। यस सर, बहुत लाइट है, नहीं नजर आ रहा है ये सब। चलो वापस लिख देता हूँ, थोड़ा डार्क करके। हाँ कर देता सर, जो राइट हैंड साइड लिख रहे वो नजर नहीं आ रहा, लेफ्ट हैंड साइड का रहा है। ये ऑनलाइन क्लास में ये दिक्कत है थोड़ा। चलो देखो इधर, एल एफ वन माइनस एफ जीरो टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। मार्कर चेंज करना पड़ेगा। अब नजर आ गया सबको? यस सर। आप ठीक है? यस सर, यस सर, यस सर। अभी देखो एल क्या होता है, वेयर एल इज लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। नजर आ रहा है वहां तक? बोल, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास।
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एच साइड ऑफ मॉडल क्लास, ये मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं वो भी तुमको बताऊंगा मैं। पहले फॉर्मूला समझ लो कि फॉर्मूला ये याद करना है, कहां से आया, किसने बनाया, कैसे बना, वो अपने किसी काम का नहीं है। आपको सिर्फ क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला अप्लाई करना है और आंसर निकालना है, और उसके अलावा तुमको कुछ भी नहीं आने वाला। तुमको सिर्फ इतना आएगा कि फाइंड आउट द मोड ऑफ द गिवन टेबुलर डेटा, तो यू हैव टू राइट डाउन द फॉर्मूला एंड देन जो जो वैल्यूज की है वो पुट करनी है और आंसर निकालना, उसके अलावा कुछ नहीं आने वाला है इसमें, ठीक है। तो सिर्फ ये फॉर्मूला याद कर लो, एल एफ वन माइनस एफ जीरो टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इन टू एच, ठीक है। और सबका नोटेशन क्या है वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। फिर देखो, हाँ बोलो सर, जब हम सम कर रहे हो तो फॉर्मूला लिखना इम्पोर्टेंट है। हाँ, हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखना इम्पोर्टेंट है। मतलब सिर्फ फॉर्मूला लिखना, ये सारी वैल्यूज नहीं, ये सारी सब चीजें नहीं लिखनी है। ये तो अभी सिर्फ अपन पढ़ रहे हैं किस चीज को क्या बोलते हैं वो समझने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद लिखो एफ वन, एफ वन किसको बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। नेक्स्ट एफ जीरो, एफ जीरो और एफ टू क्वेश्चन करते वक्त बताऊं, ये तो तुमको फिर भी समझ में आ जाओगे तीन थोड़ा बहुत, तो एफ जीरो और एफ टू तो बिल्कुल समझ नहीं आएंगे क्या किसको बोल रहे हैं यहाँ पर। पर अपन जब क्वेश्चन अभी इसके बाद, जस्ट इसके बाद अपन एक क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक है, उसमें समझ में आ जाएगा कि एफ टू और एफ जीरो किसको बोला हुआ। एफ जीरो को अपन लिखते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसिडिंग द मॉडल क्लास। नजर तो आ रहा है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो F zero किसको बोलते हैं? Frequency of the class preceding the model class. Sure. हाँ बोलो। F zero समझ में नहीं आया, वो preceding। हाँ। Preceding, हाँ मैं बदला बताता हूँ उसका। मैंने वही बोला कि ये दोनों F zero और F two question करते वक्त ही समझ में आएंगे, उससे पहले समझ में नहीं आने वाले। F two का मैं ऊपर लिख रहा हूँ, नजर आ रहा है F2? बिल्कुल नजर आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. Frequency of the class, थोड़ा सा इसको नीचे लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास succeeding succeeding the model class। ये दोनों तुमको नहीं समझ में आएंगे, बिल्कुल ट्राई मत करना समझने का, ठीक है, खतरा है इसको समझने की कोशिश अभी से करोगे, क्वेश्चन करोगे तो बिल्कुल एक क्वेश्चन करते में तुमको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये लिख लो बस पहले, लिख लिया, लिख लिया, चलो अभी क्वेश्चन करने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए तैयार? यस सर, यस सर, यस सर, चलो क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है सर। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास क्या होता है वो भी बताता हूँ, अभी पता चल जाएगा सब तुमको। इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले काम करना है,
देखो हर एक नोटेशन में सबसे पहले क्या क्या आ रहा है, हर नोटेशन में एक चीज कॉमन है, मॉडल क्लास है ना, मॉडल क्लास कॉमन है। तो सबसे पहले अपन को क्या ढूंढना पड़ेगा, मॉडल क्लास ढूंढनी पड़ेगी। क्या ढूंढनी पड़ेगी, मॉडल क्लास। वो कैसे ढूंढते हैं, देखो इधर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, अभी एक एग्जांपल के तौर पे बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, फिर बाकी सारे क्वेश्चन अपन करते रहेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो देखो इधर यहाँ पर दे रखा है फैमिली साइज, ठीक है, मैं पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फैमिली साइज और नंबर ऑफ फैमिली, ठीक है। क्या बोला हुआ है, फैमिली साइज दे रखी है और नंबर ऑफ फैमिली दे रखा है। डेटा क्या किस किस दे रखा है कि भाई एक एक फैमिली में कितने मेंबर हैं और उतने मेंबर्स की फैमिली कितनी फैमिलीज है इतनी, ठीक है। तो देखो यहां पर अगर वन से थ्री हो, ठीक है, जिसके ऐसी कितनी फैमिलीज है, ऐसी कितनी फैमिलीज है जिसके अंदर फैमिली साइज या मेंबर्स कितने हैं, एक से लेकर तीन मेंबर हो, ऐसी सात फैमिलीज अपने पास में, ठीक है। फिर उसके बाद में थ्री से फाइव, थ्री से पांच, तीन से पांच मेंबर है जो है वो लगभग आठ फैमिलीज ऐसी है जिनके अंदर तीन से पांच मेंबर। फिर उसके बाद में फाइव टू सेवन, फाइव टू सेवन के अंदर टू फैमिलीज ही हैं, सेवन टू नाइन इसके अंदर भी टू फैमिलीज ही हैं, और नाइन टू इलेवन इसमें सिर्फ एक ही फैमिली है। डेटा समझ में आ गया तुमको? यस सर। डेटा डेटा समझ में आ गया? यस सर। हाँ बोलो क्या हुआ सर, अगर वन से थ्री फैमिली साइज है तो उसमें वन या टू फैमिली मेंबर्स होंगे। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, देखो वापस समझा रहा हूँ, इसमें ऐसा बोला है ये है नंबर ऑफ फैमिली मींस नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, मतलब एक तरीके से क्या दे रखा है, ये फैमिली मेंबर्स दे रखे हैं भाई एक से लेकर तीन फैमिली मेंबर्स, मींस आपके अंदर भी सबके अंदर सब फैमिली बहुत मतलब सब फैमिलीज ऐसी होती है जिसके अंदर अलग अलग मेंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर होते हैं, ठीक है। तो ये डेटा किस चीज का दे रखा है, मैं समझा रहा हूँ कि भाई ऐसी कितनी फैमिलीज है, ये देख रखा फैमिली साइज, तो मतलब ये फैमिली मेंबर के नंबर दे रखे हैं एक से लेकर तीन, मतलब इसके अंदर ऐसी फैमिलीज भी होगी जिसके अंदर सिर्फ एक ही मेंबर है, ऐसी फैमिलीज भी होगी जिसके अंदर दो मेंबर है, और ऐसी फैमिलीज भी होगी जिसके अंदर तीन है। पर तीन वाला कहाँ आता है, तुमने अगर मीन पढ़ा है, मीन तुमने पढ़ना स्टार्ट किया है, तो तीन अगर कोई फैमिली ऐसी है जिसके अंदर तीन मेंबर है वो किसमें काउंट होगा, वो इसमें काउंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ कितने कितने फैमिली मेंबर्स का काउंट होगा, जिसके अंदर एक ही फैमिली मेंबर है और जिसके अंदर दो फैमिली मेंबर है। तो ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जिसके अंदर एक या दो मेंबर है, सेवन फैमिलीज ऐसी हैं जिसके अंदर एक या दो फैमिलीज है। फिर नेक्स्ट वाले डेटा में क्या आ जाएगा, जिसके अंदर तीन मेंबर्स हैं, जिसके अंदर चार मेंबर्स हैं। तो ऐसी कितनी फैमिलीज है जिसके अंदर तीन और चार मेंबर्स है, टोटल आठ फैमिलीज है। समझ में आ गई बात, डेटा इस तरीके से दे रखा है। yes, अब आपको क्या निकालना है, मोड निकालना है। क्या निकालना है, मोड। मोड का फॉर्मूला लिख दूं मैं यहाँ पर? यस सर। यस सर। चलो पहले मोड का फॉर्मूला लिख देते हैं अपन। मोड इक्वल्स टू लोअर लिमिट F0 माइनस F1 अपॉन 2F1 माइनस F0। नहीं दिख रहा है यहाँ पर सर, F1 सर दिख रहा है, सर दिख रहा है, सर दिख रहा है, क्लियर है, दिख रहा होगा यहाँ तो, मेरे को भी नजर आ रहा है तुम्हारा, मैं एक्चुअली मैं खुद की स्क्रीन ही देख रहा हूँ कि तुमको क्या नजर आ रहा नहीं आ रहा। वैसे फॉर्मूला ही लिखा है, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, नहीं नजर आ रहा तो भी फॉर्मूला ही लिखा है आपने मीन का, ठीक है। F0 माइनस F1, 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है। अभी सबसे पहले मॉडल क्लास ढूंढनी, क्या ढूंढनी है, मीन का फॉर्मूला है नहीं, ये मोड का फॉर्मूला है बच्चे, अपन मोड पढ़, हाँ अपन मोड पढ़, अपन मोड पढ़ रहे हैं, तो मोड का फॉर्मूला लिखा है मैंने। अभी सबसे पहले क्या ढूंढना है आपको, मॉडल क्लास ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है, मॉडल मॉडल क्लास। अपन ने जो फॉर्मूला लिखा था, अपन ने जो फॉर्मूला लिखा था उसमें हर एक वैल्यू में, हर एक वैल्यू में अपन ने मॉडल क्लास लिखा हुआ है। तो
तो मॉडल क्लास एक्चुअली होती क्या है? मॉडल क्लास वो होती है जो डेटा जो तुमको ग्रुप टेबुलर फॉर्म में जो डेटा दे रखा होगा उस डेटा के अंदर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, एक सब फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। क्या होगी? एक फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, उसी को अपन क्या एज्यूम करते हैं? मॉडल क्लास एज्यूम करते हैं। समझ में आई बात? किसको समझ में नहीं आया बता दो फटाफट से, मैं वापस समझाने के तैयार हूँ। देखो पता नहीं चला सर, अपन मॉडल क्लास किसको लेते हैं ऐसा बता रहा हूँ। इसके लिए मॉडल क्लास निकालने का कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है, सिर्फ आपको किसको ऑब्जर्व करना है? फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करनी है। क्या ऑब्जर्व करनी है? फ्रीक्वेंसी। ठीक, हाँ। तो यहाँ पर जिस भी क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम होगी, जिस भी क्लास इंटरवेल की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी, वही क्या होगा? मॉडल क्लास होगा। सर अगर दोनों सेम होगा? नहीं होगा। मोड के क्वेश्चन हमेशा, कभी तुमको इस तरह के कंफ्यूजिंग क्वेश्चन तुमको नहीं मिलेंगे। तुम्हारी टेक्स्ट बुक में, आर एस अग्रवाल में, आर डी शर्मा में, किसी में भी जाके देख लो, तुमको कभी भी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं मिलेगी। अगर वो होगी फ्रीक्वेंसी सेम तो इस तरीके से हो सकती है, जैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दोनों सेम दे रखी है, पर इससे भी ज्यादा कोई ना कोई नंबर ज्यादा दे रखा होगा, बड़ा नंबर दे रखा होगा जो डिफरेंट होगा उनसे। ठीक है, तो जैसे अपने पास में यहाँ पर क्या है, एक। अपन आगे और भी क्वेश्चन करेंगे, तो तुमको एक बार समझ में आ गया मॉडल क्लास किसको लेना है? सर हाँ yes, सर ये एक जो है वो फ्रीक्वेंसी है ना? हाँ एट। हाँ okay. तो वापिस बता देता हूँ, इस तरीके के टेबुलर फॉर्म में जो डेटा आपको दे रखा होगा उसके अंदर जो क्लास इंटरवेल, जो क्लास इंटरवेल की फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम होगी, वही क्या होगी? मॉडल क्लास होगी। ठीक है, मैं लास्ट में क्वेश्चन खत्म होने के बाद में मॉडल क्लास की डेफिनेशन लिखवा दूंगा, डोंट वरी। अभी sure? समझ में आ गया? हाँ बोलो। चलिए इसमें तो दोनों में दो टू टू ही है ना, दोनों नीचे फाइव और सेवन सेवन और नाइन में साथ पड़ी है। एक मिनट, क्या पीछे बैकग्राउंड में बहुत आवाज आ रही है? अब बोलो वापस, क्या बोल रहे हो? मैम सर वो सेवन और नाइन और जो फैमिली साइज है ना, तो उसमें दोनों में टू टू ही है ना नीचे? हाँ ये तो दोनों टू टू ही है, उससे कोई लेना देना नहीं है। अपन को सबसे मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी ऑब्जर्व करनी है। क्या ऑब्जर्व करनी है? मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। कहाँ है मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी? यहाँ पर एट पर। तो ये आपकी क्या हो गई? मॉडल क्लास। मॉडल समझ, ये समझ में आ गया मॉडल क्लास इसको बोलते समझ में आ गया? यस सर। यस अब यस सर। नोट, अब ये सारे नोटेशन किसको देखो अभी नोटेशन किसको बोलते हैं वो देखो, सब ध्यान से समझना। बस समझने वाली बात यही है, बहुत इजी है। एक बार समझ में आ गया तो उसके बाद तो मोड का तुमको कोई भी क्वेश्चन दे देंगे, तुम कर लोगे आराम से। बस नोटेशन किस किस को क्या बोलते हैं वो तुम समझ लो। मॉडल क्लास समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। क्लास इंटरवल में दो लिमिट होती है, एक अपर लिमिट एक लोअर लिमिट। जो पहला वाला नंबर होता है ये वाला, इसको अपन बोलते हैं लोअर लिमिट। नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं सबका लिखता हुआ जा रहा हूं, इसको बोलते हैं अपन लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। लोअर लिमिट तुम्हारा एल। ठीक है, किसको? थ्री को। ये तुम्हारा हो गया लोअर लिमिट। तो भाई आपने मीन जब पढ़ा, अब तुमने मीन पढ़ना स्टार्ट किया होगा तभी तुमने पढ़ लिया होगा कि अपर लिमिट क्या होती है, लोअर लिमिट क्या होती है। इस चीज को क्या कहते हैं अपन? क्लास इंटरवल बोलते हैं। बोलते हैं ना? यस। क्लास इंटरवल बोलते हैं। यस सर। ये क्लास इंटरवल की जो दोनों वैल्यू, इन दोनों का अपना अपना नाम है। क्या क्या नाम है भाई? ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है उसको अपन बोलते हैं लोअर लिमिट। ठीक है, और जो राइट हैंड साइड में होता है उसको अपन बोलते हैं क्या बोलते हैं? अपर लिमिट। अपर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट। तो ये जो हो गया, यहाँ पे जो अपन को ये एल लेना है, यहाँ पे जो एल लेना है वो कौन सा हो गया? मॉडल क्लास का लोअर लिमिट हो गया। ठीक है, वैल्यू साथ में पुट करता जाऊं तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? एल की जगह क्या लिखूंगा? थ्री। थ्री। क्या लिखूंगा? थ्री लिखूंगा। ठीक है, अब एफ जीरो या सबसे पहले एफ वन किसको बोलते हैं? क्या बोला है? एफ वन किसको बोलते हैं? दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास को अपन एफ वन बोलते हैं। समझ में आया? वहां पर भी मैंने ऐसे ही लिख रखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास
is F1. पता चल गया? Yes sir. Yes sir. ध्यान से देखो, फॉर्मूले में बस नोटेशन थोड़े ज्यादा दे रखे इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बाकी बहुत ही ज्यादा इजी है। एक बार समझ में आ गया, भूलने भूलने जैसा कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, एक बार देख लिया ध्यान से। हाँ बोलो सर। तो सारे एफ में सर, आएगा ना, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आती है वही F1 होता है ना? हाँ वही F1 होता है। ठीक है, अभी देखो। हाँ, किसने कुछ बोला था कि क्या क्या बोला था, कोई बोला था, क्या बोल रहे थे तुम लोग? बोलो सर, सारे एफ में 80 आएगा ना? नहीं, सारे एफ में 8 नहीं आएगा, सब अलग अलग है। मैं एक एक करके बता रहा हूँ। अभी तक मैंने दो ही चीजें बताई, क्या क्या बताया? एक लोअर लिमिट, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। F1 बताया, अब मैं बता रहा हूँ F0। क्या बता रहा हूँ? F0। तो उसमें लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। प्रीसीडिंग मतलब प्रीसीडिंग और सक्सेडिंग दो वर्ड होते हैं। प्रीसीडिंग का मतलब होता है पहले वाला और सक्सेडिंग का मतलब होता है बाद वाला। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। यस सर। प्रीसीडिंग प्रीसीडिंग वाला। हाँ हाँ। प्री का मतलब क्या होता है? पहले का। सक्सेडिंग का मतलब होता है बाद वाला। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने दो वर्ड लिखे थे। एक लिखा था प्रीसीडिंग क्लास, प्रीसीडिंग मतलब पहले वाला। ठीक है, और सक्सेडिंग का मतलब होता है बाद वाला। तो इसके अंदर F0 को अपन बोलते हैं प्रीसीडिंग और F2 को बोलते हैं अपन सक्सेडिंग। लिख रखा है जो फॉर्मूला अपन ने पहले लिखा था, वहां पे जो एक एक लाइन लिखी है उसको देखते जाओ साथ साथ में, जैसे जैसे मैं नोटेशन बता रहा हूँ। तो देखो, F1 से पहले क्या आया? 7। तो इसको बोलते हैं अपन F0। क्या बोलते हैं इसको अपन? F0। ठीक है, तो ये हो गया मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी से पहले वाली फ्रीक्वेंसी। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी से पहले वाली फ्रीक्वेंसी अपन को अपन बोलते हैं F0। और सक्सेडिंग किसको बोलेंगे? F2। सक्सेडिंग किसको बोलेंगे? F2। तो वो F2 क्या हो गया? ये हो गया। समझ में आई बात? Yes. क्लियर है सबको? एल क्लियर है सबको? एल यस सर। यस सर। F1 क्लियर है? यस सर। F0 क्लियर है? यस सर। F2 क्लियर है? यस सर। अब लास्ट क्या बचा है? H बचा है। तो H क्या होता है? फाइव। हाँ बोलो बोलो सर, इसमें F2 कैसे आया? F2 सक्सेडिंग क्लास, सक्सेडिंग मतलब जो मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है उसके बाद वाला। सक्सेडिंग का मतलब क्या होता है? बाद वाला। तो इसके बाद वाला कौन सा है? F2 है, इसलिए अपन यहाँ पे 2 लेके चलेंगे। समझ में आई बात? मैं सब इक्वल ये एरोज बनाना भूल गया हूं मैं। समझ में आई बात? मैंने टेबल के अंदर ही सारे नोटेशन क्लियर कर दिए हैं, अभी मैं वहां पे भी लिखूंगा। ठीक है, अब मुझे बताओ लास्ट क्या बचा हुआ है अपने पास? H। अपन एक और क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी, अपने पास टाइम है। ठीक है, H बचा हुआ है। तो साइज ऑफ मॉडल क्लास, क्या बोलते हैं उसको? साइज ऑफ मॉडल क्लास। तो साइज क्या होगा? साइज कैसे निकालते हैं ये अगर तुमने नहीं पढ़ा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यस, क्लास साइज जो होता है ऐसे निकालते हैं। क्लास साइज, ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं तुमने लिखा होगा, दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अपर लिमिट क्या है यहाँ पर? 5। और लोअर लिमिट क्या है? 3। तो दैट इज इक्वल टू 2। समझ में आई बात? अगर ये किसी ने नहीं लिखा हो तो लिख देना। तो इसका मतलब अब देखो, अब फॉर्मूले में वैल्यू डालना चालू करें। मुझे बताओ F0 क्या है? 7। माइनस F1 कितना है? 8। अपॉन, अब क्या आएगा सर? 2 ब्रैकेट में 8। F1 8 माइनस F0 F7 माइनस 2 इंटू 2। जल्दी से सॉल्व करो, आंसर बताओ मुझे सर। आंसर आ गया, जल्दी से सॉल्व करो और आंसर बताओ। सर, आंसर आ गया। आंसर आ गया।
चलो जिसे नहीं निकाला फटाफट से थ्री एट माइनस वन सेवन एट माइनस सेवन वन ये हो गया सिक्सटीन माइनस नाइन इंटू टू थ्री इंटू वन अपॉन सिक्सटीन माइनस माइनस नाइन कितना होता है सेवन सेवन इंटू टू ठीक है तो ये कितना आ गया थ्री टू जा सिक्स अपॉन सेवन हमारे बुक में तो सर वो प्लस दिया हुआ है एल प्लस दिया हुआ है अच्छा अपन ओ शिट अपन ने एक चीज गलत कर दी यहाँ पर लिखो लोअर लिमिट प्लस आया है यहाँ पर ठीक है फॉर्मूले में शायद देखो तो फॉर्मूले में मैंने क्या लिखवाया तुमको सर लोअर लिमिट या डायरेक्ट ब्रैकेट मैंने लोअर लिमिट देखो आपने लोअर लिमिट सुनो 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 हो सकता है मैंने ये प्लस लिखना मैं भूल गया हूँ वहां पर तो लोअर लिमिट प्लस कर देना इसको ठीक है अपने मेन फॉर्मूला में भी प्लस कर दो जहां पे तुम लोगों ने मेन फॉर्मूला लिखा वहां पे प्लस लिख दो ये प्लस लिखो फटाफट से लिख दिया सर लिख दिया बस अब कुछ नहीं अब यहाँ पे प्लस आ गया तो ये आ गया थ्री प्लस टू बाय सेवन कितना आ जाएगा ये 23 अपॉन 7 21 अपॉन 7 तो ये आ गया 23 अपॉन 7 ठीक है देखो जिसने नहीं लिखा अपन ने जो मेन फॉर्मूला लिखा था वहां पे लोअर लिमिट प्लस एफ वन करना ठीक है ये प्लस लिखा नहीं होगा शायद गलती से तो ये प्लस लिख देना सब जगह अब बताओ मुझे यहाँ पर किसको कहाँ पर डाउट है या किस वैल्यू में डाउट है मैं वापस समझा देता हूँ या एक अगर नहीं ये हो चुका है तो एक क्वेश्चन और करते हैं अपन यस सर एक क्वेश्चन और करें चलो यस चलो अगर ये उतार लिया सबने यस सर उतार नल फॉर्म में ही रखना है हाँ हाँ तुम फ्रैक्शन में भी रख सकते हो या फिर आगे सॉल्व भी कर सकते हो तुम्हारी मर्जी उसके बाद सर तो हमें वैल्यू पे दिखानी है कि L is equals to ये कि डायरेक्ट फॉर्मूला कुछ करनी है यही बस डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो फॉर्मूले में वैल्यू लिख देना खत्म बात दैट्स इट यहां पर भी बता दिया है करना है बस हां बस मोड इतना ही होता है मैंने वही बोला था मोड इज इक्वल टू 23/7 हाँ दैट्स इट ठीक है मोड जो होता है बस इतना ही सॉल्व करना है पता चला इसलिए मैं बोल रहा था इजी है बस क्या समझना है फॉर्मूला समझना फॉर्मूला चलो अभी करें नेक्स्ट क्वेश्चन यस सर यस सर हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी एक्सरसाइज 14.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर वन इसमें एक तरफ एज दे रखी है और दूसरी तरफ दे रखा है नंबर ऑफ पेशेंट सर कौन सी एक्सरसाइज गई एक्सरसाइज 14.2 का फर्स्ट क्वेश्चन 14.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये तो देखो यहां पर 515 1525 25, 35, 45, 45, 55, 55, 55, 6, 11, 21, 23, 14, 5 चलो अभी सबसे पहले मुझे बताओ मॉडल क्लास कौन सी है सर 33 45 45 35 45 35 सर 23 23 देखो ठीक है मैक्सिमम बच्चों को समझ में आ चुका है पर जिसको नहीं समझ में आया वो एक बार वापस देख लो मैं मॉडल क्लास से बताया था मॉडल क्लास उस क्लास को अपन बोलते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है तो यहाँ पर अपन कितनी क्लास दे रखी है 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब यहाँ पे देखो ये 6 क्लासेस दे रखी है 6 क्लास साइज दे रखी है अब इसके अंदर सबसे ज्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है 20, यहाँ पर 23 तो इसका 20, मतलब 20. ये तुम्हारा क्या हो गया मॉडल क्लास ठीक है अब मैं डायरेक्ट वैल्यू अभी तुमको डायरेक्ट वैल्यू लिखना चाहो तो लिख सकते हो डायरेक्टली वैल्यू पुट करो आंसर निकालो
मैं एक बार बता देता हूँ, तो यहाँ पे लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 35, एल हो जाएगा 35, ठीक है, एफ वन क्या हो जाएगा 23, F1 23, F0 21, F2 14, और H क्या हो जाएगा HS 10, ठीक है, 45 माइनस 35 दैट इज इक्वल टू 10, बस इतना सा काम करना है, वैल्यू पुट कर दो इसमें, यहाँ पे आप गलती मत करना, 35 प्लस F1 दैट इज 23 माइनस 21 अपॉन 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस 14 एंड इंटू 10, ठीक है, यस, नजर आ रहा है ना, हाँ आ रहा, अभी देखो, यस सर, तो ये हो गया 35, ये हो गया 2, ये हो गया तुम्हारा 46 माइनस 21 साइड नहीं लगा, ये 35 आपने प्लस नहीं लगाया, ये प्लस पता नहीं मेरे साथ दुश्मनी है कुछ इसकी, बार बार भूल जाता सर, 46 माइनस 35, 46 माइनस 35 सही है, और उसके बाद आ गया 10, ठीक है, अभी देखो 35 प्लस 2 अपॉन ये कितना आएगा 11 आ गया, और इनटू क्या हो गया 10, फिर 35 प्लस 20 अपॉन 11, ठीक है, अभी मैं यूजुअली मैं अपना पर्सनली मैं क्या करता हूँ, मैं इसको फ्रैक्शन सॉल्व नहीं करके मैं इन दोनों को पहले डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने 20 को 11 से डिवाइड कर दिया, तो 11 वन जा 11 ही आएगा, तो ये आ गया 9, फिर पॉइंट 08, तो ये आ गया 88, कितना बच गया 2, फिर वापस से 0 आ गया 1, और फिर बाद में डिवाइड ऐसे चलता रहेगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डायरेक्ट 1.82, ये पता है ना 1.82 के लिखते हैं, यस सर, क्योंकि अगर वैल्यूज आगे आती जा रही है तो अपन पॉइंट के बाद 2 डेसिमल्स निकाल के वैल्यूज बढ़ा देते हैं, yes, तो बाद तो डायरेक्ट क्या आ गया, वो वाला वापिस समझाओ ना ये चीज, यस सर, अरे देखो तुम्हारे पास दो तरीके, या तो तुम 11 उसमें अपने 2 की जगह कुछ बाहर नहीं लगा सकते ऊपर 82 पे, लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, बट वह थोड़ा सिंप्लीफाई करने, मतलब 82 पे बार नहीं लगेगा, 81 पे बार लग रहा है ऐसा, ठीक है, okay. तो बार कभी कभार जब तुम फिजिक्स के क्वेश्चंस करोगे सीनियर क्लासेस के अंदर, बड़ी क्लासेस के अंदर जब क्वेश्चंस करोगे, तब क्या होता है कि जब पॉइंट के बाद में वैल्यू रिपीट होती रहती है या 3-4 डेसिमल तक आती रहती है, तो अपने पास में जो पॉइंट के बाद फर्स्ट डेसिमल तो ठीक है, और जो सेकंड डेसिमल होता है ना उसको अपन जैसे 1 है ना, तो उसके बाद में और भी वैल्यूज है तो अपन इसको 1 बढ़ा के लिख देते हैं ऐसा, तो आंसर सही है वो भी, डोंट वरी आंसर सही है वो भी, तो तुम इसको एक ही बढ़ा सकते हैं, हाँ एक ही बढ़ा सकते हैं, सिर्फ एक ही बढ़ाना है अपन को, तो ये आ गया 1.82, तो क्या आ गया आंसर 36.82, ठीक है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर, मुझे फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताओ करके सर, हाँ अगर सर हम इसे 35 को 11 से मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन में रखते तो भी मार्क्स मिलते, कट, हाँ आंसर वही आएगा, मैं एक्चुअली वही आएगा, मैं एक मिनट माइक बंद करो, देखो आंसर उसमें भी यही आएगा, पर वो क्या थोड़ा टफ हो जाता है, किस तरीके से, पहले तुम 11 को 35 से मल्टीप्लाई करो, फिर इन दोनों को प्लस करो, और फिर उसको 11 से डिवाइड करो, तो इससे बेटर है कि मैं यहाँ पे थोड़ा सिंपली सॉल्व हो रहा है इस तरीके से, तो मैं यही कर लूँ, फिर बस मुझे ये प्लस ही करना रहे, दैट्स व्हाई मैंने ऐसे किया, मैं बाकी तुम्हारी मर्जी हो तो तुम एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो, हाँ बोलो क्या हुआ, सर हम डिवाइड करके भी इसको आंसर ला सकते हैं, हाँ ला सकते हैं बिल्कुल, सर मोड का सिंबल क्या होता है, मोड को अपन सिंपली मोड ऐसे लिखते हैं, कोई सिंबल नहीं है इसका पर्टिकुलर, कोई सिंबल नहीं है,
देखो 14.2 एक्सरसाइज में सिर्फ मोड नहीं निकालना है, जब तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा ना तो उसमें हो सकता है कि तीनों चीजें साथ में निकालनी पड़े। अभी तो सिर्फ अपन ने मीन सीखा और मोड सीखा है, तो हो सकता है तुमको मीन भी निकालना पड़े, मोड भी निकालना पड़े, मीडियन भी निकालना पड़े। तो ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई एक पर्टिकुलर डेटा आपको दे रख दे दिया और उसके अंदर बोल दिया कि तीनों चीजें निकालो। अभी 14.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, उसमें बोला हुआ है फाइंड द मोड एंड द मीन, दोनों चीजें निकालनी है। तो मीन तुम्हारी मर्जी पड़े उससे निकाल सकते हो, स्टेप डेविएशन से भी निकाल सकते हो, एज्यूम मीन से भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट से भी निकाल सकते हो। वैसे तो स्टेप डेविएशन ज्यादा इजी होता है। पढ़ा है स्टेप डेविएशन? पढ़ लिया कि नहीं पढ़ना है? पढ़ा अभी तक? सर अभी चैप्टर 14 स्टार्ट ही नहीं हुआ है। यस सर, यस लेट अस स्टार्ट अभी। तुम 10th गुजरात बोर्ड में है ना पक्का? यस सर, यस सर। ये क्या है, पर्दे फट गए मेरे कान के। हाँ तो सर स्टार्ट कर देंगे, डोंट वरी। अपन ने मोड पहले पढ़ लिया, कोई भी कुछ भी लेना देना नहीं है, मीन और मोड दोनों में से कोई सिमिलरिटी नहीं है, मोड अलग है मीन अलग, डोंट वरी। तो मीन पढ़ोगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि मोड का कुछ यूज हो रहा है, और तुम मोड पढ़ रहे हो तो भी तुमको ऐसा नहीं लगा होगा कि मीन का कुछ पढ़ा है अपन ने। सब तीनों चीजें अलग है, मीन अलग है, मोड अलग है, मीडियन अलग है, ठीक है? तो डोंट वरी सर, स्टार्ट करेंगे तो मीन से स्टार्ट करेंगे, तो तुमको वापस से इन क्वेश्चन में मीन निकालना पड़ेगा। मुझे सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। तुम्हारा मोड कंप्लीट हो गया, मतलब अब सर को अगर पढ़ाना रहा तो सर को सिर्फ अब मीन पढ़ाना रहा और मीडियन पढ़ाना, ठीक है? और मीडियन भी बहुत इजी है, हालांकि मीडियन में भी सिर्फ एक फॉर्मूला ही है, सिर्फ ज्यादा सबसे ज्यादा मेहनत जो करनी पड़ती है अपन को मीन निकालने के लिए करनी पड़ती है। उसके अंदर पहली बात तो तीन तरीके हो गए, तीन अलग अलग मेथड दे रखे अपनी बुक के अंदर, और दूसरी बात उसमें टेबल बनाना पड़ता है, और टेबल को थोड़ा एक्सपांड करके थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ता है, तो वो थोड़ा काम बड़ा है उसमें। बाकी मोड और मीडियन में सिर्फ दो फॉर्मूलाज है, मोड मीडियन का भी कुछ ऐसा सिंपल सा फॉर्मूला ही है, उसमें भी कुछ भी नहीं, बस मीडियन क्लास निकालो, वैल्यूज डालो, आंसर निकालो, इतना ही। सर आंसर आ गया, कितना आया सेकंड का आंसर? 65.63। किसका आया भाई 65.63? 63 नहीं बोलते, 63 बोलते हैं, ठीक है? पॉइंट के बाद हर वैल्यू को सिंगली रीड किया जाता है। 65.63 आ रहा है सेकंड क्वेश्चन का आंसर, बताओ किस चीज का आ गया, सही है गलत है मुझे नहीं पता, मैं तो अब चेक करूंगा। 65.63 क्वेश्चन नंबर सेकंड। सर 65.625 आ रहा है। 625 आ रहा चलेगा, ठीक है, सही है। यस दैट इज नियरली इक्वल टू 625, सही है, सही है, सही है, कोई बात नहीं। 63 वाला भी सही है, 625 वाला भी सही है। क्या है ये? ओके, लाइफ टाइम इन आवर्स, और दूसरा दे रखा फ्रीक्वेंसी। सो 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 70, 60 to 80, 80 to 100, and 100 to 120, 10, 35, 52, 61, 38, 29, क्या होगी मूल्य मॉडल क्लास, क्या होगी? 61. क्या होगी? 61. This one is your model class, ठीक है? This one is lower limit F1, F0, F2 और H हो जाएगा तुम्हारा 20. Yes, 80 minus 60 that is equal to 20, ठीक है? चलो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं।
60 61 माइनस 52 वापिस से प्लस लिखना भूल गया मैं, अब लिख दिया। यस 61 माइनस 52 और उसके बाद में 2 इंटू 61 माइनस एफ 0 52 माइनस 38 इंटू 20। ठीक है अभी 60 प्लस ये कितना हो गया तुम्हारा 9 ये हो गया तुम्हारा 122 आएगा फिर उसका फिर ये हो जाएगा 0 90। ठीक है ये हो गया 20 फिर आ गया 60 प्लस 9 ये कितना आ गया 32 आया 32 इंटू 20। ठीक है मैं 20 को अंदर ले आया थोड़ा। हाँ सर अगर ये नीचे से कैंसिलेशन हो रहा है साइड में भी तो हम कर सकते हैं। हाँ ये कर सकते हैं ना बिल्कुल कर सकते हैं सर। वो नहीं वो 60 के साथ अगर हो रहा हो तो 60 के साथ कैसे हो रहा 60 के बाद प्लस लगा हुआ अगर हो रहा हो तो। देखो अगर तुम ऐसा बोल रहे हो कि यहाँ पर कोई वैल्यू है और यहाँ पर कोई वैल्यू और इसको कट कर दे तो नहीं कर सकते ये सर, ये प्लस का साइन है ना। हाँ अभी यहाँ पर ये 4 से कट किया तो ये आया 5 और ये आया 8। ठीक है तो इसका मतलब ये आ गया 60 प्लस 9 5 जा 45 अपॉन 8। अभी 45 और 8 को डिवाइड कर दो 45 और 8 को डिवाइड किया तो 5.65 8 5 8 5 8 6 48 क्या कर रहे हो फिर आ गया अपना 0 फिर आ गया 2 तो इसका मतलब 62 बार नहीं आ रहा है इसमें परफेक्ट आंसर आ रहा है 5.625 एग्जैक्टली आ रहा है क्योंकि 5 6 6 to 5 के बाद में डिवाइड खत्म हो रहा है इसलिए तो इसके अंदर आंसर आ गया तुम्हारा 65.625। ठीक है तो जिसका आंसर आया बिल्कुल सही है तो आई थिंक तुम्हारी 14.2 खत्म हो जानी चाहिए आज सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए। हाँ बोलो सर अगर आगे अपन एक ऐड कर दे तो 63 हो जाएगा ना बाद में। हाँ कर सकते हैं अगर तुमको सिर्फ डेसिमल के बाद में दो ही पॉइंट शो करने हैं तो तुम यहाँ पे 60 लिख दो चलेगा तो राइट होगा ना सर। हाँ राइट होगा बिल्कुल पर वो तब करना चाहिए जब पॉइंट के बाद में डेसिमल के बाद में बहुत सारी वैल्यूज आ रही है। यहाँ पर क्या हो रहा था कि पॉइंट के बाद में 3 डेसिमल के बाद में डिवाइड खत्म हो रहा मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है इसीलिए मैंने 625 ही दिया। वो तब करना चाहिए जब बहुत सारी वैल्यूज आ रही हो आगे 4-5 डेसिमल तक वैल्यू आ रही जा रही हो आगे तब जाके वो अपन को करना चाहिए अदरवाइज नहीं करना चाहिए अदरवाइज ऐसे लिख दो बस। यस तो अभी हो जाएगा ठीक है तो एक्सरसाइज 14.2 के अंदर 4 क्वेश्चन अपने बचे हैं एग्जांपल भी मैंने करा दिया एक तो ठीक है एग्जांपल 5 मैंने करा दिया एग्जांपल 6 तुमको प्रेफर करना है टेबल 14.3 से आगे का देर का करो नहीं करो तुम चलेगा कोई दिक्कत नहीं है पर क्वेश्चन जरूर कर लेना 3rd, 4th, 5th and 6th ठीक है और कोई प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे अपन। ठीक है ओके चलो बाय सर बाय बाय बच्चों बाय बाय। मानसी मैम
चल लेक्चर खत्म हो गए। सर लेक्चर खत्म हो गया। हाँ मैम हमारे क्लास 6:30 तक चलेगी। क्या मैसेज है?